आपने ये तस्वीर देखी होगी। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अटारी बॉर्डर को पार कर जब भारत वापस लौटे थे, यहां से उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था। अभिनंदन का मिग 21 बाइसन फाइटर जेट पाकिस्तानी सेना के द्वारा निशाना बनाया गया था। भारत पाकिस्तान की वायुसेना के बीच हुई हवाई जंग के बाद क्रैश होकर पाकिस्तान पहुंचे अभिनंदन को वहां कैसे रखा गया, उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ, कैसे भारतीय सरकार ने उन्हें सुरक्षित वापस लाया, ये सब देखेंगे आप कहानी विस्तार में के इस एपिसोड में। छब्बीस फरवरी 2019 को भारत ने पीओके के बालाकोट में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की सोची। अगले दिन पंजाब में भारतीय वायुसेना के रडार कंट्रोल हब ने 4 सुखोई 300 MKI और 2 मिराज 2000 को अलर्ट कर दिया, जो कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज के उत्तर और दक्षिण में पेट्रोलिंग कर रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा को सिविलियन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। इसी दौरान पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 फॉल्कन, JF-17 थंडर कॉम्बैट चाइनीज विमान और मिराज 3 और 5 भारत की ओर बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी जेट दो टीमों में बटे थे, एक नगरोटा के दक्षिण की ओर और दूसरा नौशेरा की ओर। नगरोटा में भारतीय मिराज 2000 हवा में तैनात थे और पाकिस्तानी जेट्स पर बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR माइका मिसाइल के जरिए हमला कर रहे थे। जम्मू हवाई रेंज में हुए इस हमले का पाकिस्तानी जेट्स मुकाबला नहीं कर सके और वापस लौट गए, लेकिन एक दूसरी पाकिस्तानी टीम जिसमें 4 F-16 शामिल थे वो LOC के पास आकर नौशेरा की ओर बढ़ गई। इनका मुकाबला करने के लिए 4 सुखोई तैनात थे, जिनके साथ 4 और MiG-21 बाइसन जुड़ गए, जिनमें से एक को विंग कमांडर अभिनंदन ने संभाल रखा था। भारतीय वायुसेना को देख जैसे ही पाकिस्तानी वायुसेना की ये टीम पीछे हटी, MiG-21 बाइसन ने उनका पीछा किया और LOC के पार खदेड़ दिया। इस पीछा करने के दौरान भारतीय वायुसेना के कंट्रोल रूम ने पायलट्स को साफ किया कि वो LOC को क्रॉस ना करें, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी जेट को निशाने पर ले लिया और उसे मार गिराने के लिए R-73 मिसाइल दाग दी। पाकिस्तानी विमान पर मिसाइल लगी, लेकिन उसके पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। इसी दौरान अभिनंदन पाकिस्तानी विमान को निशाने पर लगाते हुए LOC के पार चले गए। 15 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो LOC के 10 से 12 किलोमीटर अंदर जा चुके थे। अभिनंदन वापस भारतीय सीमा में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक काफी देर हो गई। POK के भिंबर में पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने उनके विमान को मार गिराया। विंग कमांडर अभिनंदन अपने प्लेन से खुद को इजेक्ट कर पैराशूट के जरिए नीचे आ गए। जमीन पर आने के बाद जब उन्होंने खुद को कुछ लोगों से घिरा पाया तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ हैं, भारत में या पाकिस्तान में, जिसके जवाब में एक लड़के ने कहा कि भारत में। भारतीय विंग कमांडर को गुमराह करने की उन लोगों की कोशिश थी। अभिनंदन को शक हुआ और वो ये नहीं माने कि वो भारत में हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ नारे लगाए, जिसके बारे में बताया गया कि वो नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद, और उन्होंने कहा कि उनकी पीठ टूट गई है और उन्हें पानी चाहिए। विंग कमांडर के नारे से बौखलाकर उन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। अभिनंदन को समझ आ गया कि वो बॉर्डर के गलत ओर हैं। वो उन लोगों से दूर जाने की कोशिश करने लगे, तभी कुछ लोगों ने पत्थर उठा लिए और अभिनंदन की ओर बढ़ने लगे। अभिनंदन ने यह देखकर अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और हवा में फायर कर करीब आधा किलोमीटर तक भागे। लोग उनका पीछा करते जा रहे थे। कुछ दूर एक कोने में जाकर उन्होंने एक छोटे से तालाब में छलांग लगा दी। पानी में अपने साथ रखे कुछ नक्शों और डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने भिगा दिया और फिर निगल कर खत्म करने की कोशिश की। कुछ देर बाद भीड़ ने विंग कमांडर को पकड़ लिया और हथियार छोड़ने को कहा। उनमें से एक ने अभिनंदन के पैर में गोली मार दी। इसके बाद अभिनंदन उस तालाब से बाहर आए और लोगों से कहा कि उन्हें ना मारें। कुछ देर बाद वहां पाकिस्तानी अधिकारी पहुंच गए और उन्होंने अभिनंदन को कस्टडी में ले लिया।
कुछ देर बाद शायद वहां मौजूद लोगों में से किसी एक का शूट किया ये वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया। पकड़े जाने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वो कहते नजर आए कि चाहे वो भारत आ जाएं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स ने उनकी अच्छी देखभाल की है। And I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen. वो खुद को बचाने के लिए पाकिस्तानी कैप्टन को धन्यवाद कहते नजर आए और वीडियो में ये भी कहा कि वो पाकिस्तानी आर्मी से काफी प्रभावित हैं। जैसे ही अभिनंदन के वीडियो और तस्वीरें सामने आईं, पाकिस्तान की दुनिया भर में आलोचना शुरू हो गई। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए उस पर दबाव बनने लगा, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन 1949 के आर्टिकल 13 के मुताबिक युद्ध बंदियों के साथ बेहतर तरीके से पेश आना चाहिए। कोई भी गैर कानूनी काम या उनके साथ ऐसा व्यवहार जिससे कि उनकी मौत हो जाए या गंभीर चोट आ जाए, ये सब कुछ नहीं किया जा सकता और इसे कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाएगा। भारत ने भी विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि जब पीएम मोदी ने विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीरें देखी तो उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख से पाकिस्तान को साफ संदेश देने को कहा कि अगर अभिनंदन को थोड़ा भी नुकसान पहुंचा तो भारत नहीं रुकेगा। साथ ही उनकी तुरंत रिहाई करने को भी कहा। पाकिस्तान को पीएम मोदी का संदेश था कि हमारे हथियार हमने दिवाली मनाने के लिए नहीं रखे हैं। ये मैसेज उस वक्त के रॉ चीफ अनिल धस्माना ने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनार अहमद शाह को सिक्योर लाइन के जरिए भेजा। धस्माना ने जिस तरीके से आईएसआई चीफ से बात की उससे आईएसआई के चीफ भी हैरान और परेशान थे। रॉ चीफ ने कहा कि अभिनंदन को हुए किसी भी नुकसान का अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, उसे किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए बिना भारत को लौटा दिया जाना चाहिए। ये दिखाने के लिए कि भारत अपनी बातों को लेकर सीरियस है, राजस्थान सेक्टर में सशस्त्र बलों को मोबाइल पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल बैटरी तैयार करने का आदेश दे दिया गया। इमरान खान सरकार दबाव में आ गई। उन्हें लग रहा था कि रात को 9 बजे भारत उन पर हमला कर देगा। इसके बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने 28 फरवरी को ये घोषणा की कि वो विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान वापस। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस बयान से पहले ही विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की बात सामने आ गई थी। आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल शाह ने 28 फरवरी को रॉ चीफ को सुबह एक सीक्रेट लेटर भेजा जिसमें अभिनंदन की रिहाई की जानकारी थी। ये बात पीएम मोदी को भी बता दी गई थी। जून 2019 में आईएसआई चीफ को उनके पद से सिर्फ 8 महीने के भीतर हटा दिया गया और कट्टर माने जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को उनकी जगह दी गई। विंग कमांडर अभिनंदन 1 मार्च 2019 को वापस लौटे। भारत लौटने पर उनका मेडिकल टेस्ट किया गया। 2 सितंबर 2019 को वो भारतीय वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ के साथ MiG-21 उड़ाते दिखाई दिए। 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना को खदेड़ने के लिए दिखाई गई उनकी वीरता के लिए उन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया।